बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो लेंटल और छज्जे के बारे में है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं पीछे जो हमारा पोर्शन है यहां पे लेंटल वर्क तक यहाँ पे आके रुक गया है। लेंटल कास्टिंग नहीं हुआ है, लेंटल का शटरिंग नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, मोइनुद्दीन बोल के, मोइनुद्दीन सर, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो किस तरह से यहाँ पे है और सभी के लिए भी बनाया हूँ, ये डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ फॉर दिन लेंटल एंड छज्जे के बारे में एंड आल्सो उसके रूट्स के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। वेलकम बैक टू ऑल अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसे कि यहाँ पे आप दो विंडो देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये वाला एक विंडो है, यहाँ पे ये वाला एक विंडो है। मैं जाके वहाँ पे बताता हूँ, बने रहिए इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लेवल तक 7 फीट। ओके, मेरा हाइट नियरर टू 6 फीट है, यहाँ पे 7 फीट तक यहाँ पे लेंटल लेवल आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंटल लेवल यहाँ पे आ चुका है। तो इसको नेक्स्ट जो इसका ये होगा, जो नेक्स्ट जो स्टेप्स होगा इसका होगा शटरिंग होगा और सेंटरिंग, नीचे से सेंटरिंग लगाएंगे और शटरिंग लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कॉलम्स है। ओके, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे PFSP कॉलम है, जैसे कि हमारे कैमरे में वहाँ पे कॉलम्स को आप बताइए, वो कॉलम्स को बताइए, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम्स है। ओके, ये वाला कॉलम्स देख सकते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे आप और एक कॉलम देख सकते हैं, वहाँ पे एक कॉलम्स है। ओके, वो कॉलम में से ये कॉलम तक अगर हम फिर वहाँ से फिर वो जंक्शन पे, वो वाला जो जंक्शन देख सकते हैं यहाँ पे ये फेस पे, ओके ये फेस पे रेस्ट करेंगे। रेस्ट का मतलब ठहराएंगे इसको, जैसा कि वाल बीम होता है जो हम लेंटल बोलते हैं। लेंटल को हम आल्सो कॉल्ड एस वाल बीम बोल के भी बोल सकते हैं। वाल बीम का मतलब जैसे हमारा ड्रॉप बीम होता है, लटक वाला बीम होता है जो छत में जो हम बीम डालते हैं, उसी तरह से लेंटल में भी बीम बनता है, तो उसे वाल बीम भी बोल सकते हैं। उसके अंदर मिनिमम फोर्स बार प्रोवाइड करते हैं, जो भी बीम्स रहेगा उसके अंदर मिनिमम फोर बार प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा छोड़ के, और जो कॉलम रहेगा उसी में भी मिनिमम 4 बार प्रोवाइड करते हैं फॉर दी 12 mm के कॉलम्स और बीम के लिए। और ये रहेगा लेंटल, और इसे क्या बोलेंगे, छज्जा बोल सकते हैं। तो लेंटल में यहाँ पे मिनिमम बार्स प्रोवाइड करेंगे, आप 10 mm के प्रोवाइड करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, वो है लोड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है विंडो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है विंडो है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, वॉल को उठाना है। क्या करना है, इसके ऊपर वॉल को सेंटर में उठाना है। तो बिना इसके ऊपर बेड डाले के हम क्या कर सकते हैं, लेंटल, बिना लेंटल डाले के इस पर वॉल तो नहीं उठा सकते। तो हमें क्या डालना चाहिए, फर्स्ट यहाँ पे लेंटल डालना चाहिए। लेंटल किस तरह से डालना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो कैमरामैन वहाँ पे बताइए उधर, जैसे कि वो कॉलम्स के रॉड देख सकते हैं, वो कॉलम्स के रॉड से लेके, ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो कॉलम्स है, कॉलम्स के रॉड से लेके ये वाला कॉलम के रॉड से लेके और ये वाला जो कॉलम है रॉड तक, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बीम डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा फ्रेंड्स, बीम डालना पड़ेगा, और उसमें जो रिंग्स भी बनेंगे, जो 6 mm के जो रॉड होंगे उससे वहाँ पे रिंग्स और क्या बोलते हैं स्टेरअप्स बोल सकते हैं, वो भी बांधेंगे। बांधने के बाद यहाँ पे शटरिंग लगा दे के, और जो हमारे रेनफोर्समेंट होते हैं, जो वॉल बीम होता है, हम उसमें फ्रेम बीम वहाँ पे स्ट्रक्चर फिट करके वहाँ पे शटरिंग लगाने के बाद वहाँ पे कंक्रीटिंग कर देंगे, ये हो जाएगा लेंटल। तो इसमें होता क्या है, जो भी लोड्स आएगा वो किस पे आएगा, ये वॉल पे नहीं आएगा। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स एंड एवरीवन और ब्यूटीफुल पीपल एंड रिस्पेक्टेड फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स, जो भी हमारा लोड किस पे आएगा, वॉल पे नहीं आएगा। हम वो कॉलम से, ये कॉलम से और ऐसे में ये कॉलम पे हम डालेंगे तो पूरा लोड जाएगा कॉलम्स पे। द लोड्स इज टेकन बाई द कॉलम, नॉट टेकन दी वॉल। ओके,
अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, और एक मेथड बताता हूँ आपको मैं, इस तरह से नहीं, कट नेंटल बोल के भी आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके 6 इंच 1 फिट यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, नेंटल डाल सकते हैं फॉर विंडो के लिए, यहाँ से यहाँ तक भी डाल सकते हैं कट नेंटल बोल के। तो उसके नेंटल डालने के बाद आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बंदिश बना सकते हैं, जैसा कि ये वर्क है लैटरल ट्विस्टों से यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक आपका वर्क होने के बाद उसके ऊपर आप वॉल उठा सकते हैं, ये हो जाएगा कट नेंटल। मगर इसमें क्या होगा, कट नेंटल में क्या होगा, आप जहाँ पे भी विंडो के ऊपर वॉल उठा रहे हैं वहाँ पे जो लोड्स आएगा वॉल के ऊपर आएगा, किसके ऊपर, ये वॉल के ऊपर लोड आएगा। जहाँ पे भी आप कट नेंटल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप कट नेंटल लेंगे, कॉलम्स को कंसिडर नहीं करेंगे, खाली 6 इंच और 10 6 इंच करेंगे, कॉलम पर आप जो सरिया रहता है रॉड रेनफोर्समेंट आप कॉलम पे नहीं रखेंगे, तो वहाँ पे जो लोड्स आएगा आपका वॉल पे आएगा, वॉल से आप नीचे देख सकते हैं प्लिंथ बीम पे जाएगा, ये ग्राउंड फ्लोर का है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे प्लिंथ बीम पे जाएगा, वॉल से प्लिंथ बीम पे जाएगा। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, इसका पूरा फर्दर डिटेल्स बताऊँगा, पूरा कंप्लीट फुल वीडियोस बताऊँगा, ये थी पार्ट 1। अगर दोस्तों आज की वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड अनदर वीडियो एंड ऑल वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन कमेंट इन ए कमेंट सेक्शन बॉक्स, ऑलरेडी कमेंट सेक्शन इज देर इन यूट्यूब, यू कैन कमेंट इन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक इट कमेंट इट एंड सपोर्ट फॉर 10K सब्सक्राइबर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, वी विल मीट यू न्यू वीडियो एंड See you in new video. Allah Hafiz, dosto. Take yourself. Bye-bye.